राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पार्लमेंट की बैलदेरारु कोद्दिसेपटि क्रितमे कासेपट्लो राष्ट्रपति पार्लमेंट उभय सभलनु उद्देशिंचि प्रसंगिस्तारु प्रधाని మోదీ లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా రాజ్యసభ చైర్మన్లు రాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు సో 18వ లోక్సభ ఏర్పడిన తర్వాత పార్లమెంట్ ఉమ్మడి సమావేశంలో ముర్ము ప్రసంగించడం ఇదే తొలిసారి రాష్ట్రపతి ప్రసంగం అనంతరం పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి సభ్యులు చర్చిస్తారు ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్‌కు వెళ్ళడాన్ని మనం చూస్తున్నాం అబ్సి కుస్ దేర్ బాద్ ఉన్కా అభిభాషణ్ హోగా जहाँ पर संसद में संयुक्त बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी, नई सरकार के गठन पर जो भाषण होता है, फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही हैं नए संसद परिसर की तरफ। अपने आप में काफ़ी मनमोहक की तस्वीरें और ख़ास तौर से जिस तरीके से जो मौसम है वो भी आज खुशगवार नज़र आ रहा है। हालांकि जो देश की जनता है उनको इंतज़ार भी था कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करेंगी तो क्या वो शाही बग्घी में नज़र आएंगी, लेकिन मौसम जिस तरह का है उसके चलते फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कारवां है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नए संसद भवन की तरफ। साथ ही राष्ट्रपति के घुड़सवार रक्षक जो कि भारतीय सेना सबसे पुरानी रेजिमेंट, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अब से कुछ देर बाद अभिभाषण होगा उनका, यानी जो संयुक्त बैठक है वो होगी। फिलहाल परिसर में यहां पहुंचते हुए राष्ट्रपति का ये कारवां। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से जब प्रस्थान किया था और अब संसद भवन में प्रवेश कर चुकी हैं। फिलहाल जो परिसर है इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संसद भवन में राष्ट्रपति का ये जो कारवां है प्रवेश करते हुए, और अब से कुछ देर बाद जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं जो अभिभाषण है वो होगा राष्ट्रपति का, जिसमें ना सिर्फ सरकार की जो नीतियां रही हैं किस तरीके से कारगर रही, बल्कि जो रोड मैप है वो क्या रहेगा, किस तरीके से देश हित में जो नीतियां हैं वो लागू की गई हैं, कितनी कारगर रही हैं, इसकी जानकारी वो साझा करेंगी। फिलहाल उनके अंगरक्षकों का ये काफिला जो लगातार आगे बढ़ रहा है परिसर में पहुंच चुकी हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन परिसर में पहुंच चुकी हैं।